तो मैं दिखाता हूँ अपना स्टूडियो का सेट। तो भाई आप लोग देख सकते हैं, भाई यही रहा, देख सकते हो भाई क्या स्टूडियो। भाई आप लोग आज वाली वीडियो पे बने रहना, भाई कहते ना बहुत ही ज्यादा तबाही होने वाला है, क्योंकि आज हम भाई के स्टूडियो पे आए हैं और फेसबुक से कैसे अर्निंग करते हैं कॉपी पेस्ट तरीका से, सारा चीज लाइव प्रूफ पूछेंगे भाई से कि किस तरीके से इतना ज्यादा अर्निंग की है। और यहाँ पे देख सकते हो भाई क्या स्टाइलिश कुर्सी या क्या ही बोले, भाई बहुत ही ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं। तो भाई के इधर फोकस करें कैमरा में, यहाँ पे देख सकते हैं भाई अभी पूरा वीडियो आईफोन से बात कर रहे हैं। तो भाई कुछ कहना चाहेंगे मेरे ऑडियंस को? तो मैंने भाई आप लोग के लिस्ट में ज्यादा शेयर कर दिया कि आप लोग कंफ्यूज हो गए भाई इसका रियल सर्टिफिकेट, तो ये चीज सारा चीज जो आपने देखा है सब रियल है एंड सब फेसबुक पे होता है, जो कि आप लोग का आशीर्वाद हुआ है, बस आप लोग इस तरह मेहनत कीजिए आगे बढ़िए बेहतर। तो भाई भाई का स्टूडियो एक बार चारों तरफ भाई कैमरामैन दिखाओ भाई का कैसा स्टूडियो, यहाँ पे दिखाओ, देख सकते हो भाई ये भाई का स्टूडियो है। फेसबुक से जितना कॉपी पेस्ट तरीके से अर्निंग की है ना, सारा चीज के यहाँ पे देख सकते हो क्या है। ये नहीं करता कि पैसा कितना कमा रहे, बस आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए। जैसे भाई ने अपने दिमाग से इतने अच्छे से काम कर रहे हैं ना फेसबुक पेज पे, जो भाई आप सोच नहीं सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में बताया था कि भाई के साथ फिर से मैं इंटरव्यू करूंगा और जो भी छोटा मोटा डाउट है सारा आज क्लियर करूंगा। तो भाई हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं एक बार, तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा और कैसे अर्निंग करते हैं कॉपी पेस्ट तरीका से आपको सारा प्रोसेस बताएंगे कि कहां से वीडियो को लेना है, कैसे एडिटिंग करना है, कैसे उसको किस टाइमिंग में अपलोड करना है, पॉलिसी इशू आ जाए तो उसको कैसे हटाना है। सबने जैसा जैसा सवाल किया है मैंने कमेंट बॉक्स को पढ़ा था और जैसा जैसा सवाल आपने किया है मैं सेम टू सेम वही सवाल आज भाई से पूछने वाला हूं, तो बस आप लोग वीडियो में बने रहना। तो भाई हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, ये लगा कि मेरा तीसरा इंटरव्यू इनके चैनल पे, और मैंने जितना भी इनको इंटरव्यू दिया है आई थिंक सब अच्छा ही किया है, और उस हिसाब से लोग उस तरह का काम भी स्टार्ट किया है, उस तरह का लोग स्टार्टिंग जैसा मैंने बताया था वीडियो में उसके हिसाब से लोग काम भी किया, जो कि बहुत सारे लोग जो भी भाई पॉलिसी इशू ये वो मतलब कंटेंट हर चीज़ प्रॉब्लम रहता था। मैंने इंटरव्यू इनके चैनल पर तीसरा आज देने जा रहा हूँ, तो पूरा डाउट को क्लियर कर दीजिए कि जो कि पिछले इंटरव्यू में हमने बताया भी नहीं था भाई साहब ने पूछा भी नहीं था, तो उसके कारण हम बता भी नहीं पाए, और मेन बात है कि मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी थी। और भाई आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आप सभी ने जैसा जैसा सवाल किया था उसी सवाल को हम सेम भाई से रिपीट करेंगे, भाई आपको स्टेप बाय स्टेप सारा चीज बताएंगे, एक एक करके बताएंगे, मैं कोई जल्दीबाजी नहीं करूंगा, भाई से सब चीज एक एक करके पूछेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए भाई कि आप अभी के टाइम में वीडियो कहां से डाउनलोड करते हो? देखिए सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आती है कि भाई वीडियो कहाँ से डाउनलोड करते हैं। जी जी, तो वैसे तो कोई भी क्रिएटर भाई जो भी बैठ के कमाना चाहता है जी, वो तो अपना कंटेंट डालता नहीं है, क्योंकि सोचता है भाई मेहनत करेंगे तब तक 5 साल लग जाएगा, उतना मेहनत करना मेरा नाकाम हो जाएगा मेहनत, तो इसी कारण लोग ना वीडियो डाउनलोड करते हैं। तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, आप लोग जानते होंगे कि यूट्यूब एंड फेसबुक सबसे अलग प्लेटफॉर्म है, दोनों में कंपटीशन चलता है भाई, यूट्यूब सोचता है कि हम आगे बढ़ जाए, फेसबुक सोचता है हम आगे बढ़ जाए, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा आप यूट्यूब से वीडियो अगर डाउनलोड करते हो, लेकिन उस क्रिएटर का मत करना जो कि ऑलरेडी फेसबुक पे हो, आप उसका ही डाउनलोड करोगे उसका ही डालोगे तो भाई कॉपीराइट तो आ ही जाएगा, भी डाल रहा है अभी डाल लेकिन आपसे पहले वो डाल रहा है क्योंकि उसका है वो डाल रहा है, तो आप बाद में डालोगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। तो वीडियो आप डाउनलोड करो तो यूट्यूब से ही करो, लेकिन कम सेकंड का करो, कम से कम 15-20 सेकंड अगर यूज़ करो क्लिप तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 1 मिनट तक भी आप यूज़ कर सकते हो, हाई स्टेप 3 मिनट तक यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा चेंजिंग करना होता है। चेंजिंग क्या करोगे उसमें क्या है कि थोड़ा सा मान लो 15-20 सेकंड आप क्लिप को जो है ना वही ओरिजिनल रखी रहिए, उसके बाद आप जो भी थोड़ा सा बस स्पीड बढ़ा दीजिए थोड़ा सा स्पीड, ताकि मैच ना हो, मैच होगा तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा, ये सीन है। तो भाई का कहना है आप जो वीडियो पूरा डाउनलोड करते हो जैसे 20 मिनट 30 मिनट या 10 मिनट का वीडियो रहता है, आप लोग पूरे वीडियो डाउनलोड करके अपने फेसबुक पेज पे डाल देते हो, तो इस तरीके से उसमें कॉपीराइट मैच हो जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, भाई बता रहे हैं कि आपको 15 सेकेंड 20 सेकेंड या 3 मिनट से नीचे का वीडियो आपको डाउनलोड करना है और उसको अच्छे तरीके से एडिटिंग करना है, एडिटिंग में थोड़ा आपको चेंज करना है, उसके बाद आपको अपलोड करना है। तो भाई ने आपको पहले बता दिया कि आप कहाँ से वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। अब हम भाई से पूछते हैं कि वीडियो आप डाउनलोड तो करना सिखा दिए, अब बताइए आप अपलोड कहां से करते हैं, फेसबुक से या क्रिएटर स्टूडियो से? वो पॉइंट आती है फिर फेसबुक एंड क्रिएटर स्टूडियो, मतलब फेसबुक का 3 एक बिजनेस सूट है, एक क्रिएटर स्टूडियो, एक फेसबुक ऑलरेडी है, ये 3 एप्लीकेशन के माध्यम से आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए क्रिएटर स्टूडियो, जहां तक कि आपको एनालिटिक्स का पूरा उसमें व्यू दिखाया जाता है, तो सबसे बेस्ट होता है। और वैसे पोस्ट करने का तरीका वहाँ से हम लोग जो पोस्ट करते हैं भाई वहीं से पोस्ट करते हैं क्रिएटर स्टूडियो से,
फेसबुक पोस्ट पहले किया करते थे कि मतलब पोस्ट की है पब्लिक हो गया, लेकिन थोड़ा फिर उसको वहाँ पर ऑप्शन देता है ड्राफ्ट शेड्यूल पब्लिक सब ऑप्शन देता है, लेकिन सबसे बेस्ट आपको रहेगा क्रिएटर स्टूडियो से पोस्ट करने का। वहाँ से आप जाके आराम से क्रिएटर स्टूडियो से शेड्यूल में या पब्लिक में या आप ड्राफ्ट में पोस्ट कर सकते हो, इतना आसानी भाई। तो भाई ने बताया कि आप किस तरीके से वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, उसके बाद कैसे एडिटिंग करके किस तरीके से अपलोड कर सकते हो। अब भाई से हम पूछते हैं कि अपलोड किस टाइम में करते हो, जैसे मान लो भाई आपने तो बता दिया क्रिएटर स्टूडियो से अपलोड करते हैं, लेकिन दिन में कभी भी या रात में कभी भी थोड़ी अपलोड कर सकते तो वायरल होगा, तो आप बताइए किस टाइम में आप अपलोड करते थे। तो चलिए ये भी आपको मस्त क्वेश्चन है, जैसे सारे लोग जितना भी क्रिएटर सबका डाउट होता है भाई किस टाइम अपलोड करें किस टाइम अपलोड करूं भाई, कभी शाम में कभी रात में कभी सुबह में उठा भाई पोस्ट, यार ऐसे थोड़ी ना होता है, काम करने आए हो तो टाइमिंग से काम होता है। किसी के अंदर आप काम करते हो या किसी ऑफिस में काम करते हो, 9 बजे जाते हो 5 बजे आते हो, होता है कि नहीं, एक रूल होता है। अब उससे पहले तो आप कुछ भी करो उससे कोई मतलब नहीं, उसी तरह आप यहाँ पर भी टाइम दीजिए, आप सो के उठे पोस्ट कर दिए, सो गए पोस्ट कर दिए, ऐसा नहीं होता दोस्त। तो आप सबसे पहले उसका एक टाइमिंग बना लीजिए, इसलिए कहते हैं क्रिएटर स्टूडियो से आप पोस्ट कीजिए ताकि वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि भाई कितना बजे मेरा ऑडियंस एक्टिव होता है, कितना एक्टिव रहता है, कितना बजे कितना टाइमिंग में वो ऑनलाइन रहता है, ये चीज़ आपको क्रिएटर स्टूडियो से डिफाइन करना होता है, तभी आप पोस्ट कीजिएगा अच्छा रहेगा। वैसे हम जो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, हम पोस्ट करते हैं वो करीब मॉर्निंग के 9 बजे 8 बजे 8 से 9 बजे के हम मॉर्निंग में पीएम में हम पोस्ट कर देते हैं, और शाम में अगर पोस्ट करना होता है तो हम 5 से 6 बजे पोस्ट कर देते हैं। अभी आप सीजन भी समझ सकते हो कि ठंडा का टाइम है, मतलब कूल एकदम वातावरण रहता है, तो काफ़ी लोग जो लेबर मजदूर जो भी होते हैं जो भी काम वर्कर होता है सब से मतलब 4 बजे वो छुट्टी कर देता है, उसके बाद भाई रेस्ट करता है क्योंकि अंधेरा छा जाता है 5 बजे के बाद, इसलिए वो 5 से 6 बजे मैक्सिमम शाम में आप पोस्ट कीजिए। इन्हें आपको बता दिया कि आप किस तरीके से एडिट करोगे, अपलोड करोगे और किस टाइमिंग में वीडियो को पब्लिक करोगे, सारा चीज भाई बता दिया। लेकिन भाई आप एक बात और बताइए कि जैसे मान लीजिए कॉपी पेस्ट का ये लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं अपने फेसबुक पेज पे, यूट्यूब से डाउनलोड करते हैं, एडिटिंग करते हैं, जैसा आपने बताया उसी तरीके से अपने सारा चीज कर रहे हैं और अपने फेसबुक पेज पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच में कभी आ जाता है पॉलिसी इशू, तो पॉलिसी इशू कैसे हटाएंगे थोड़ा ये भी बता दीजिए। तो पॉलिसी इशू आने का रीज़न बहुत सारा है, आप ओरिजिनल कंटेंट डाल देते हो या एडल्ट कंटेंट डाल देते हो, मतलब कुछ भी डाल देते हो, कभी मेरा डाल दिए, कभी रजनीश सर का डाल दिए, कभी साध भाई का डाल दिए, मतलब किसी का भी भाई कंटेंट उठाए डाल दिए, वायरल तो हो ही रहा जा ही रहा जाए, उसी कारण आपका पॉलिसी इशू आ जाता है कि भाई फेस अगर रहता है तो किसी एक का फेस दो उसमें, कभी इसका कभी उसका, अचानक हमेशा इधर उधर करोगे तो भाई पॉलिसी इशू अनओरिजिनल कंटेंट आ जाएगा, इसलिए जब भी किसी का कंटेंट डालो तो भाई किसी एक क्रिएटर का डाल ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। पॉलिसी इशू हटाने का भी बहुत तरीका है, आप उसमें अगर वैसे 1 महीने के अंदर में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये फेसबुक ने बहुत अच्छा काम किया है कि भाई किसी का रोजी रोटी नहीं छीनता है, लेकिन 1 महीने तक उसको होल्ड कर देता है, तो उससे वो सीख लेता है कि भाई हम ऐसा प्रॉब्लम ना करें कि दोबारा मेरे साथ ऐसा हो जाए। तो आप सबसे पहले पॉलिसी इशू हटाने के लिए आप कम से कम वीक में 2-3 लाइव आइए, लाइव लॉन्ग लाइव आइए, उसके बाद लाइव शेयर कर दीजिए पब्लिक में, और महीना में आप लाइव आते रहिए वो आपका हट जाएगा ऑटोमेटिक। लेकिन सजेशन में आपको दे देता हूँ कि भाई आप किसी एक क्रिएटर का कंटेंट डालिए तो अभी आपके लिए बेस्ट होगा। तो भाई जैसे पॉलिसी इशू आता है तो इसका भी तो कोई रीजन होगा ना, जैसे लॉन्ग वीडियो से आता है, रील वीडियो से आता है, तो किस वीडियो से पॉलिसी इशू ज्यादा आता है? पॉलिसी इशू आपका देखिए इन स्ट्रीम एड्स तभी ऑफ होगा जब आपका लॉन्ग वीडियो में प्रॉब्लम होगा, और एड ओवरली एड्स जो कि शॉर्ट्स मतलब रील्स वाला वीडियो होता है उसमें आता है। मतलब आपको इतना बता दें कि किसी भी क्रिएटर का जो है ना, किसी भी क्रिएटर का आप ज़्यादा क्रिएटर का नहीं यूज़ करना है, कभी इसका कभी उसका बार बार बता रहे, कभी इसका कभी उसका आप डाल रहे हो, इसी कारण आपका पॉलिसी इशू हो रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मेरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक भी दिया गया, ब्लॉग चैनल का एंड इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया गया, आप हमसे मतलब बेहिचक आप बात कर सकते हो, मैंने आपके लिए 24 आवर सेवा का दिए हुआ हूँ, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सॉल्व कर दूंगा, मेरे पास बहुत सारा आइडिया है, इसलिए मैं सारा चीज़ आपको खुल के नहीं बता सकता हूँ, कुछ चीज़ है जो कि प्राइवेटली और प्राइम चीज़ है, तो भाई आपको के बीच शेयर तो नहीं कर सकते ना, इसलिए आपको हेल्प कर सकता हूँ, इतना है गारंटी।
तो देखिए भाई ने आपको बता दिया कि आप लोग किस तरीके से पॉलिसी इशू को भी हटा सकते हो बस एक मिनट के अंदर। जैसे बताया ना भाई ने कि 15 दिन, लगभग 15 से 20 दिन में पॉलिसी इशू हट जाता है और वीक में 1 से 2 बार लाइव आना है। तो भाई ने जिस तरीके से बता रहे हैं सारा चीज, बस आप फॉलो करते जाना और याद रख लेना। और भाई सही में कहते हैं, अगर इस ट्रिक को लगा करके, जितना ट्रिक भाई ने बताए हैं इस ट्रिक को लगा करके अगर आप लोग भी अपने फेसबुक पेज पे काम करते हो तो भाई आपका पेज भी ग्रो होगा और आप अर्निंग भी करने लगोगे। लेकिन आप सबसे पहले हम भाई से पूछते हैं कि भाई अभी के टाइम में आप अर्निंग फेसबुक से कैसे कर रहे हो और कितना कर रहे हो? तो मैंने भाई काफी ज्यादा इंटरव्यू दिया है और भाई सबको तो बता रहा हूँ, शुरू से बता रहा हूँ कि 3रा इंटरव्यू मेरा ये है। तो अगर मेरा वो मतलब वो तो एक चीज प्राइवेटली होता है, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होता है प्योर शो करना, और ये इतना करना नहीं चाहिए। वैसे आप लोग को प्रूफ मैंने यहाँ पे स्क्रीन शॉट तो दे ही दिया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिए, कितना अंदाज लगा लीजिएगा भाई कितना किया होगा। मुंह से तो बक नहीं सकते हैं क्योंकि आप लोग भी समझ रहे हो कि आप लोग भी क्रिएटर हो, मेरा वीडियो आपका वीडियो हम लोग का वीडियो कौन देखेगा भाई, क्रिएटर ही देखेगा ना, वही ना सीखेगा थोड़ी ना ऑडियंस भाई एंजॉय के लिए देखेगा। तो इसलिए आप लोग समझ जाइए कि किसी भी क्रिएटर अपना प्योर शो नहीं करता है, वो करता है लेकिन वो बहुत ही ईमानदार होता है, जो आप लोग भी शेयर कर देता है। लेकिन मैंने भी यहाँ पे आप लोग के बीच यहाँ पे स्क्रीन शॉट लगाया हुआ, आप लोग देख लीजिए कितना इंडियन रुपीज में मैं किया हूँ, तो आप लोग गेस कर लीजिए ना। अभी अर्निंग करते हैं ना, सारा स्क्रीनशॉट वगैरह यहाँ पे लगा दूंगा साइड स्क्रीन में, आप लोग देख सकते हैं। तो भाई कुछ इस तरीके से अर्निंग करते हैं। देखिए मैटर ये नहीं करता कि पैसा कितना कमा रहे, बस आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए। जैसे भाई ने अपने दिमाग से इतने अच्छे से काम कर रहे हैं ना फेसबुक पेज पे, जो भाई आप सोच नहीं सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, इतना दिमाग लगा करके काम कर रहे हैं। तो भाई ने आपको जैसा बताया उस तरीके से आप लोग काम करो, भाई ने आपको जैसा बताया आप लोग इस तरीके से काम करो। और भाई का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाओ और सब्सक्राइब करो भाई को दबा करके। कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आपको आता है तो भाई से डायरेक्ट कांटेक्ट करो, आप इनके चैनल पे पहले जाओ, इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर और उसके बाद ईमेल आईडी जो भी कांटेक्ट नंबर होगा चैनल के अबाउट में, जा करके भाई से डायरेक्ट कांटेक्ट करो। कोई भी प्रॉब्लम आता है तो भाई एकदम 100% फ्री में आपको सॉल्व करके देंगे, फुल सपोर्ट करेंगे आप लोग को। तो बस छोटा सा जानकारी, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।